वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विपाक्षी घोष, आपकी टैरो रीडर, आपका मैनिफेस्टेशन कोच, आपकी दोस्त और आपकी गाइड। आज एक क्विक रीडिंग लेकर आई हूँ। मैंने अभी इस रीडिंग का कोई टॉपिक नहीं सोचा है, लेकिन ये लव रीडिंग होने वाली है। मैं एक साइकिक रीडर हूँ, इसीलिए जो लाइव रीडिंग आपके सामने होती है वही मैं आपको गाइडेंस देती हूँ। स्पेसिफिकली ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाला है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान रहते हैं ये सोच सोच के कि क्या है रिलेशनशिप का फ्यूचर, क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, फिलहाल क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या है आपके लिए, क्या वो कभी रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने जो दुख आपको दिया है उसके बारे में, क्या वो कभी भी आपको पहले जैसा प्यार करेंगे, अगर होगा तो कब होगा, ये सब चीज़ें, क्या आपको उनका वेट करना चाहिए, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए, कंफ्यूज स्टेट है बहुत लोगों के मन में, ये सारे सवाल होते हैं। चलिए देखते हैं जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, अपने पर्सन के साथ दूर हो चुके हैं या बातचीत नहीं हो पा रही है, किसी रीज़न से लड़ाई हो गई है या वट एवर द रीज़न इज, फिलहाल सिचुएशन ठीक नहीं है, उनके लिए ये रीडिंग होने वाला है। जल्दी जल्दी देखते हैं माँ काली का गाइडेंस क्या है नवरात्रि के दौरान उन सभी व्यूअर्स के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। पहला कार्ड आ चुका है, द डेविल का कार्ड आया है। ओके 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 गाइस, जल्दी जल्दी अपने पर्सन के बारे में सोचो, जल्दी जल्दी अपने पर्सन के बारे में सोचो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके ओके वाह, ओके टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। गाइज मैं इसके आगे और एक रीडिंग लूंगी, क्योंकि एक सिचुएशन तो मेरे सामने बहुत क्लियरली आ चुका है। देखो आपके पर्सन ना आपके सामने बुरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि उनको आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, आपके लिए कोई प्यार नहीं है, वो आपसे रूडली बात कर रहे हैं या फिर वो आपसे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं। इसके पीछे एक मुझे बहुत बड़ा रीज़न दिख रहा है। मैं एक बार पहले निकाल लूँ कि कौन कौन राशि के बारे में ये हो रहा है, कौन कौन से राशि के बारे में ये हो रहा है। ओके ओके, ये लिब्रा है, लिब्रा हो सकता है, दिस कैन बी अ लियो, लिब्रा हो सकता है, लियो हो सकता है, और देखते हैं और क्या है, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, ठीक है, एंड कैन बी ए कैंसर ऑल्सो, कैंसर, लिब्रा, लियो, वर्गो एंड टॉरस, इनमें से हो सकता है आप या आपके पर्सन, वाइस वर्सा कोई भी इसमें से हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन जो है इंट्यूटिवली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। शायद ये पर्सन को नहीं पता है कि इस रिलेशनशिप में आगे कैसे करके आपको हैप्पीनेस देनी है। ये इन पर्सन जो है वो जेन्युइन है, ठीक है, ये आपके साथ गेम्स नहीं खेल रहे या जोक नहीं कर रहे, थोड़ा सा स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड भी है अंदर ही अंदर, जो चीज़ें दिखाते नहीं है ये। इमोशंस बहुत है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ना कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। आई गेस आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ये मैसेज मुझे चैनलाइज हो रहा है, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी कंप्लेंट्स करी है रिलेशनशिप में कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम टाइम नहीं देते हो, तुम ये मत करो, वो मत करो, मेरे लिए टाइम नहीं है, सबके लिए टाइम है। ओके ऑल राइट, द सन का कार्ड आया है। ओके एट ऑफ वॉन्स, ये पर्सन जो है अपनी सारी लड़ाई को भुला के, सारी चीज़ों को भुला के एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये पर्सन ने आपको ऐसा दिखाया कि वो पर्सन आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, बिल्कुल आपका केयर नहीं करते हैं, बिल्कुल आपके लायक नहीं है, आपको मूव, वो शायद बातों बातों में कहते भी होंगे कि आपको मुझसे बेटर इंसान मिल जाएगा, आप मूव ऑन कर जाओ, एंड देन एक इमोशनल ड्रामा वाला सिचुएशन शुरू हो जाता है, ऑफ एंड ऑन होता है, कभी बात होता है कभी बात नहीं होता, बीच बीच में वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। ये पर्सन ना सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको खुश नहीं रख सकते, आपको खुशियाँ नहीं दे सकते हैं, आपके लायक ये नहीं है ये पर्सन, ठीक है। ये उन्होंने विद टाइम रियलाइज़ किया है और अब उनको ये रिलेशन तो चाहिए, ये लड़ाई झगड़ा उनको नहीं चाहिए, बात बात की लड़ाई झगड़े उसको नहीं चाहिए। हो सकता है आप इन आप में से कई लोगों के जो काउंटर पार्ट है, जो पर्सन है, ये पर्सन किसी और के साथ होने का दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में फोटोज़ लाइक कर रहे हैं किसी और का, एंड आपको दिखाने के लिए किसी और के साथ
लंबे लंबे टाइम तक ऑनलाइन है मैसेजेस में, लेकिन आपके साथ बात नहीं कर रहे है, या फिर आपको बात बात पे गुस्सा कर रहे है, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि उनको लगता है कि वो इस वो आपको खुश नहीं रख सकते, और दोनों के लिए ही ये चीज़ें अच्छी नहीं है, दोनों हर्ट हो रहे हो, ये उनकी पहली थॉट है। बट बैक ऑफ द माइंड उनको आप चाहिए, आप ये रिश्ता भी चाहिए, लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ना रिश्ते में, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता है, ये कंप्लेंट्स है, ये सारी चीज़ें उनको नहीं चाहिए। उनको एक फ्रीनेस चाहिए अपने लाइफ में, एक फ्रीडम चाहिए अपने लाइफ में, कि वो फ्रीली अपनी हर चीज़ आपके साथ शेयर कर सके और अपनी लाइफ में भी फ्रीली वो रह सके। ठीक है, उनको इस बात का बहुत गिल्ट है कि उन्होंने आपको एक ऐसा रूप दिखाया जिससे आप दुखी हो जाओ, पर वो चाहते हैं कि आप दुखी होकर मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि उनको लगता है अब कुछ भी कर ले वो आपको खुश नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से वो दूर होना चाहते हैं, बट दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, वो खुद भी हर्ट है आपसे दूर होके ना, वो खुद भी हर्ट है, और वो चाहते हैं, वो दिल से चाहते हैं कि आप खुश रहो उनके साथ या उनके बिना, कहीं पे भी रहो लेकिन खुश रहो, ये उनकी जेन्युइन फीलिंग्स है आपके लिए। और उनको बिल्कुल भी नहीं पता, मतलब उनको रास्ता ही नहीं दिख रहा है, उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि इस रिश्ते को कैसे सुधारा जाए, किस तरीके से सिचुएशंस आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे, वो कैसे करके अपने खुद को, खुद की जो सेल्फ रिक्वायरमेंट, जो खुद की नीड्स है उसको भी फुलफिल करे, आपकी एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करे, वो सारी चीज़ें वो कैसे करेंगे उनको नहीं पता। इसीलिए वो ना, उनको ईजी यही लग रहा है कि वो मूव आउट कर जाए इस रिलेशनशिप से। इस रिलेशन में ना आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन कैसे, मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, मुझे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है मुझे पता है, पर ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, उस टाइम पे ना आपको कंप्लेन नहीं करनी है। क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ना ऐसे हैं कि बोल देते हैं कि ठीक है आज के बाद मैं कंप्लेन नहीं करूंगा या करूंगी, आज के बाद मैं तुमको नहीं रोकूंगा या नहीं रोकूंगी, ये है वो है, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ अटैच कर देते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा अटैच कर देते हैं कि वो इंसान ऑलरेडी परेशान है और परेशान हो जाता है, और उनको लगता है, रिग्रेट हो जाता है कि मैंने कॉल ही क्यों किया, मैंने मैसेज ही क्यों किया। ठीक है, एक और मतलब खुशी नहीं है इस रिलेशनशिप में, खुशी कहीं गायब हो गई है, आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं कर पा रहे, और ये सिचुएशन एक बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन बन गया है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे मूव ऑन करना उनको ज़्यादा इजी लग रहा है रादर देन स्टेइंग विथ यू। ये नहीं है कि मूव ऑन करके वो किसी और के साथ जाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ वापस आना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन उनको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। इस रिलेशनशिप में ना पहले थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है कि आप दोनों अपने अपने इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आओ, उसके बाद जब मिलो उन दिनों को याद करो जब पहली बार आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था, तो क्यों पसंद किया था, उन सारी चीज़ों को, उस स्पार्क को वापस लेकर आओ। कंप्लेनिंग मोड में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो रही है, वो सब चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है। बट ये पर्सन आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे, डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे, बट उस टाइम पे कैसे रिलेशनशिप को सुधारना है ये आपके हाथ में है, बिकॉज ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है इस टाइम पे। ठीक है, ये एक पर्सन, ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस आ चुका है मेरे सामने, और देखते हैं और क्या गाइडेंस है, और क्या गाइडेंस है, ओके, और क्या गाइडेंस है, और क्या सिचुएशन है, और क्या सिचुएशन है, और क्या सिचुएशन है, ओके ओके ऑल राइट। सेवन ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है, द फूल का कार्ड आया है, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड द चैरियट। ओके, नाउ दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है जो माँ काली गाइड कर रही है, ये सिचुएशन ऐसा है कि एक बार मैं पहले निकाल लेती हूँ कौन कौन से राशि के लिए ये सिचुएशन माँ काली ने गाइड किया है। ठीक है, ये सिचुएशन माँ काली ने कौन कौन से लोगों के लिए गाइड किया है, ये है
कन्या राशि। धनु राशि, कैंसर अगेन। स्कॉर्पियो, ठीक है, इन राशियों के लिए ये गाइडेंस आया है। ये वाइस वर्सा हो सकता है, आपके साथ आपका राशि या आपके पर्सन की राशि हो सकती है ये, ठीक है। नाउ इस सिचुएशन में क्या हो रहा है ना गाइस, कि इस रिलेशनशिप में ना सीरियसनेस नहीं है, अभी इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं है। एक अट्रैक्शन है, ये पर्सन जो है ये अपने लाइफ में ही सीरियस नहीं है, अपने लाइफ में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, मतलब नहीं थे। ये पर्सन ऐसा था कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और अपने लाइफ को ही बेसिकली सीरियसली नहीं लिया, हमेशा एक फूलिंग अराउंड, अपने दोस्तों के साथ जाना, कोई भी बात करो उसकी सीरियसनेस को नहीं समझना, बातों को टाल देना, प्रॉमिसेस करके भूल जाना, बोलते बहुत कुछ है लेकिन एक्शन में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, जब इमोशनल होके बात करते हैं तब बहुत कुछ प्रॉमिसेस कर देते हैं लेकिन अगले ही दिन एक्शंस में वो बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो ट्रस्टवर्दी नहीं है ये पर्सन, नहीं थे, ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है, एक ट्विस्ट आया है, ठीक है, एक ट्विस्ट आया है उनके लाइफ में। आपसे दूर होने के बाद ये इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। ये चीजों से जितना भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, डिफिकल्टीज से जितना भागने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही ज्यादा डिफिकल्टीज उनके पास आ रही है। ये कह लो आप इस पर्सन के लिए एक लकी चार्म थे, जैसे ही आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ, जैसे ही उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया, उनका लक कहीं ना कहीं खत्म हो गया, ठीक है। जितना ज्यादा वो दिस पर्सन ये डीप शिट में है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनके लाइफ में इस टाइम पे, उनको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ जाए क्या करे। आपके थॉट्स इनके माइंड में नहीं है इस वक्त, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि, क्योंकि उन्होंने लाइफ को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, उन्होंने सिचुएशंस को कभी टैकल करना सीखा है, उन्होंने हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागा है, हमेशा चीज़ों को बहुत कैजुअली लिया है, हमेशा सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा ऐसे करके लिया है जैसे ठीक है चलता है हो जाएगा, कभी सीरियस नहीं थे अपने लाइफ को लेके। और अब जब उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है ना, करियर, फैमिली, शायद बहुत लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ गया है, जितना दूर वो चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही पास वो इश्यूज उनके उनके सामने आके खड़े हो रहे हैं। हर दिन नया प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये पर्सन, हर दिन नया प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसीलिए उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनको लाइफ के लेसन्स मिल रहे हैं, लाइफ के लेसन्स मिल रहे हैं इस वक्त। ये आपका कार्मिक पार्टनर है, दिस पर्सन इज योर कार्मिक पार्टनर। जो पहले वाला सिचुएशन है ना, जो पहले वाला सिचुएशन है, ये सिचुएशन डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम सिचुएशन है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, जहाँ पे आप एक दूसरे की अच्छाई सोचते हो। ये वाला जो सिचुएशन है, नेक्स्ट सिचुएशन, सिचुएशन टू, ये एक कार्मिक सिचुएशन है। उनको ना ऐसा मन कर रहा है कि एक कमरे के अंदर खुद को बंद कर दे और सारी चीज़ें, मुझे बहुत हद तक ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों से उधार ले रखे हैं, फाइनेंशियल चीज़ें बहुत दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, फाइनेंशियल दिक्कतें बहुत हो रही है, बहुत सारे लोगों से उधार ले रखे हैं और इस वक्त वो उधार चुकाने के काबिल नहीं है। उन्होंने अपनी अय्याशी में, मस्ती मजाक में, पविंग करके, क्लबिंग करके, दोस्तों के साथ घूम फिर के, जब चीज़ें सही नहीं था, या फिर क्रेडिट कार्ड्स हो सकते हैं, ये बहुत क्लियर क्रेडिट कार्ड इंडिकेशन है, ये फाइनेंशियल इंडिकेशन है। ये पर्सन अभी फाइनेंशियली एकदम अंदर धस चुके हैं,
इनको नहीं पता कि कैसे रीपे करेंगे, क्या करेंगे, उनको बस मन कर रहा है कि एक रूम के अंदर अपने आप को बंद कर ले और सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाए। अभी तक इन्होंने सीखा नहीं है कि प्रॉब्लम्स के साथ डील कैसे करना है, इनको प्रॉब्लम से भागना ही है अभी भी, ठीक है। इनको हीलिंग की ज़रूरत है, इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। ये पर्सन हील होंगे, धीरे धीरे हील होंगे, टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद उनको बहुत रिग्रेट होगा कि उन्होंने आपको आपको आपकी जो थॉट्स थी, आपकी जो लाइफ को लेके अप्रोच था, वो उन्होंने उस टाइम पे नहीं समझा। इस चीज़ का बहुत रिग्रेट होने वाला है उनको, और तब वो बहुत बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। विद इन ईयर ये रियलाइजेशन उनको हो जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होगा। मुझे ऐसा लगता है कि तब तक आपकी आपका दिल इतना टूट चुका होगा कि आप उनको वापस से मौका नहीं देना चाहोगे। सो ये कार्मिक रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में बहुत सारी लर्निंग्स है आपके लिए भी, आपके काउंटर पार्ट आपके पर्सन के लिए भी, बिकॉज वो इस वक्त एक लाइफ की लर्निंग के थ्रू जा रहे हैं जो ईजी बिल्कुल भी नहीं है। इनको बिल्कुल हीलिंग की ज़रूरत है, वो रियलाइज भी करेंगे, वापस भी आएंगे, पर उस टाइम पे डिसीजन आपका होगा कि इस रिलेशनशिप को आपको आगे मौका देना है या नहीं देना है, ठीक है। गाइस केम द एनर्जीज, बिकॉज दोनों ही सिचुएशन में बहुत ही डिफरेंट गाइडेंस दिया है काली माता ने, नॉट जनरल चीज़ें, बहुत सारी इंसाइट्स दी है। अगर आप रियली अपने काउंटर पार्ट से प्यार करते हो, रियली आप चाहते हो इनको लाइफ में पाना, तो पहले सिचुएशन में तो आपको कुछ चीज़ें चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपने अंदर। दूसरे सिचुएशन में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज वो जो लाइफ के लेसन्स है, वो जो लर्निंग्स है, वो तो आपके पर्सन को सीखना ही पड़ेगा, वो इस डिफ़िकल्टी के थ्रू उनको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दोनों ही केस में फ्यूचर डेफिनेटली है, ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, बट डिपेंड्स ऑन यू कि आप रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाते हो। गाइज क्लेम द एनर्जीज, कमेंट्स में जय माँ काली लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज ऐसे गाइडेंस बहुत कम आते हैं माँ काली के थ्रू, बट ये बहुत डीप इंसाइट वाले गाइडेंस है। क्लेम द एनर्जीज ताकि आप अपने पर्सन को अपने लाइफ में वापस पा सको और अपने फ्यूचर में एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पीली रह सको। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि ऐसे मैसेजेस मैं आप तक रोज लेके आ सकूँ। और मेरा लाइव सेशंस भी होता है, उसमें भी आप मैं आपके पर्सनल क्वेश्चंस की आंसर करती हूँ, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।